प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को मेरा नमस्कार आज का हमारा चर्चा का विषय है कक्षा दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष कोविड नाइन्टीन के चलते विद्यालय काफ़ी समय तक बंद रहे हैं हालांकि अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई है लेकिन जो पढ़ाई विद्यालय में आकर की जाती है वैसी नहीं हो पाई है इसी कारण शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए कई बदलाव किए हैं जैसे पाठ्यक्रम में तीस परसेंट कटौती वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पचास परसेंट एम क्यों शामिल करना प्रश्न पत्र के समय में बदलाव परीक्षा के समय में बदलाव विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र बैंक बनाना प्रश्न पत्र के डिजाइन में बदलाव और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ओ शीट का प्रयोग आज की इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इन सब की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार अप्रैल में परीक्षाएं शुरू हो जानी है इन दो महीनों में ही आपने अपनी पूरी तैयारी करनी है और इस तैयारी के लिए आपको एक युद्ध की तरह रणनीति बनानी होगी जिससे आप इन परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर पास हो सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नया अपडेट आता है हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शिक्षा विभाग के दिनांक आठ तो दो हज़ार इक्कीस के प्रस्ताव के अनुसार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्न प्रस्ताव पारित किए गए नंबर एक पाठ्यक्रम में तीस की कटौती वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पचास प्रतिशत शामिल करना बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मई 2021 तक पूर्ण कर ली जाएं। लिखित परीक्षाओं से पहले प्रायोगिक परीक्षाएं करवा ली जाएं। प्रश्न पत्र का समय ढाई घंटे इन परीक्षाओं का परिणाम जुलाई के प्रथम सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएं। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के आयोजन के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए नंबर एक द क्वेश्चन पेपर शैल कंटेन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑन ओएमआर एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ऑन द आंसर बुकलेट इसका मतलब प्रश्न पत्र दो तरह के होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर ओएमआर शीट पर दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको आंसर बुकलेट मिलेगी दूसरा पॉइंट है ए प्री बोर्ड एग्जाम शेल बी कंडक्टिड एट द स्कूल लेवल फॉर विच द बोर्ड शेल सप्लाई द क्वेश्चन पेपर्स इसका मतलब फाइनल परीक्षाओं से पहले एक प्री बोर्ड की परीक्षा स्कूल स्तर पर करवाई जाएगी विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्रों की सप्लाई करेगा ताकि बच्चों को ओ एम आर शीट पर पेपर करने की प्रैक्टिस करवाई जा सके तीसरा पॉइंट है वर्कशीट्स विल बी गिवन टू तो द स्टूडेंट्स टू तो टेस्ट दियर नॉलेज अक्वायर्ड थ्रो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड द टीचर्स वुड कवर द वीक स्टूडेंट्स थ्रो ऑनलाइन फॉलो अप इसका मतलब बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए वर्कशीट्स बनाई जाएंगी और कमज़ोर विद्यार्थियों पर अध्यापकों को विशेष ध्यान देना होगा चौथा पॉइंट है द एग्जाम सेंटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल शेल बी स्वेब्ड इफ देर आर मोर देन वन बोर्ड एग्जाम सेंटर इन ए विलेज इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक ही गाँव में एक से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं तो उन बच्चों को आपस में बदल दिया जाएगा पाँचवा पॉइंट है एग्जाम सेंटर्स इन स्कूल फाउंड टू बी इन डल्ज इन मास कॉपिंग शेल बी कैंसल्ड एंड सच स्कूल शेल नोट बी मेड एग्जाम सेंटर फॉर एटलीस्ट थ्री ईयर्स इसका मतलब अगर किसी भी एग्जाम सेंटर पर सामूहिक नकल पाई जाती है तो उस सेंटर को कम से कम तीन वर्ष के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा और भी कई हिदायतें जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है वो इसी पत्र में शामिल हैं अब बात करते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पेपर का डिजाइन क्या बनाया है तो सबसे पहले देखिए ये कक्षा दसवीं का हिंदी के पेपर का डिजाइन है यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर एक पे वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में ऊपर वाली लाइन में देखिए के सी ई ए लिखा हुआ है के का मतलब है नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स सी का मतलब है कॉम्प्रीहेंशन ई का मतलब है एक्सप्रेशंस और ए का मतलब है अप्रीसीेशन यहाँ देखिए दूसरी लाइन में परसेंटेज दे रखी है और तीसरी लाइन में मार्क्स दिए हुए हैं यानी नॉलेज के पचास परसेंट क्वेश्चन होंगे और चालीस नंबर के होंगे और कॉम्प्रिहशन के मार्क्स पच्चीस परसेंट यानी बीस मार्क्स होंगे और एक्सप्रेशन के बीस परसेंट यानी सोलह मार्क्स होंगे और एप्रिसिएशन के पाँच परसेंट यानी चार नंबर अस्सी नंबर का ये आपका पेपर होगा दूसरा पॉइंट है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंदर देखिए सबसे पहले वाले लाइन में ई एस ए वी एस ए ऑब्जेक्टिव ये चार कॉलम दिए हुए हैं ई e का मतलब है ऐसे टाइप क्वेश्चन एस ए का मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वी एस ए का मतलब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे टाइप क्वेश्चन पाँच नंबर का होगा तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे और तीनों के पंद्रह अंक होंगे और साठ मिनट एस्टिमेटेड टाइम मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप तीन नंबर का क्वेश्चन होगा पांच क्वेश्चन होंगे पंद्रह नंबर के होंगे और तीस मिनट का टाइम होगा वेरी शॉर्ट आंसर दो मार्क्स का क्वेश्चन होगा पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे और दस नंबर के होंगे और बीस मिनट इसका एस्टिमेटेड टाइम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एक नंबर के क्वेश्चन चालीस क्वेश्चन होंगे चालीस मार्क दिए जाएंगे और चालीस मिनट का ही टाइम होगा इस प्रकार टोटल तिरपन क्वेश्चन हो जाएंगे और इनके नंबर होंगे अस्सी और टाइम मिलेगा एक सौ पचास मिनट यानी अढ़ाई घंटे अब बात करते हैं कि सिलेबस में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ देखिए अलंकार मुहावरे संधि उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम्स एक नंबर का क्वेश्चन होगा और ये सोलह क्वेश्चन होंगे सोलह नंबर के काव्य खंड बहुविकल्पीय प्रश्न ये एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और बारह क्वेश्चन होंगे यानी बारह नंबर के गद्य खंड बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर के बारह क्वेश्चन होंगे बारह नंबर के ही काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न ये तीन नंबर का प्रश्न होगा और एक क्वेश्चन होगा यानी कुल तीन नंबर गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न तीन मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन एक और टोटल मार्क्स तीन ये पार्ट ए में छियालीस नंबर का विवरण दिया गया है पार्ट बी में चौंतीस नंबर का जो विवरण दिए गए है वो इस प्रकार है छंद मार्क्स दो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक टोटल मार्क्स दो कृतिका मार्क्स दो नंबर ऑफ क्वेश्चन चार और टोटल मार्क्स आठ गद्यांश पर आधारित रचनात्मक प्रश्न मार्क्स तीन नंबर ऑफ क्वेश्चन एक और टोटल मार्क्स तीन काव्यांश पर आधारित रचनात्मक प्रश्न मार्क्स तीन नंबर ऑफ क्वेश्चन दो और टोटल मार्क्स छः लेखक परिचय निबंध पत्र लेखन मार्क्स पाँच नंबर ऑफ क्वेश्चन तीन और टोटल मार्क्स पंद्रह इस प्रकार चालीस नंबर का आपका पार्ट ए तथा चौंतीस नंबर का पार्ट बी में से आपका कुल अस्सी नंबर का पेपर होगा तो इस प्रकार ये डिजाइन किए गए इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अभी हमने क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको बताया था तो इसके लिए आपके लिए खुशी की खबर है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए हैं आप इस क्वेश्चन बैंक से अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे ये क्लास दसवीं का क्वेश्चन बैंक है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का इसके अंदर चैप्टर वाइज आपको एम मिलेंगे इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस के हैं साथ में आपको आंसर भी मिल जाएंगे आप इनसे अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक तैयार करके साइट पर डाल दिए हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको आपके अध्यापकों से भी मिल सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जाना क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले के आकलन हेतु सरकार की क्या योजना है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी आशा है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके जैसे ही बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कोई नया अपडेट आता है हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँच सके थैंक्स फॉर वॉचिंग